हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू हाइड नेविगेशन बटन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इस फोन में नेविगेशन बटन कैसे हटा सकते हैं, स्वाइप गेस्चर सेटिंग कैसे इनेबल कर पाएंगे। ये जो आप तीन बटन देख रहे हैं, इन बटन्स को आप अपने इस फोन में कैसे हटा पाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइज, विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ से आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ से आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ से आपको सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपको जाना होगा सिस्टम नेविगेशन पर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपको जाना है गेस्टर सेटिंग पर। अब गेस्टर सेटिंग पर जैसे आपने क्लिक किया, अब यहाँ से आपको इधर से जाएंगे तो बैक जाएंगे, इधर से जाएंगे तब बैक जाएंगे आप, और यहाँ से स्वाइप कर देंगे तो डायरेक्टली आप होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। अगर आपको रिसेंट टास्क में पहुँचना है तो स्वाइप करके लाना होगा मिडिल तक, यहाँ पर छोड़ देना है, तो यहाँ से आप रिसेंट टास्क में पहुँच जाते हैं इस तरीके से। सो गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में नेविगेशन बटन हटा सकते हैं। यहाँ पर आपके तीनों बटन हट चुके हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।